आईपीएल 2021 का छठा मैच सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच खेला जाएगा। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 और मैच प्रेडिक्शन के बारे में बताने वाले हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले बात करते हैं मैच डिटेल्स की। सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर मैच नंबर 6। वेन्यू रहने वाली है MH चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई। टाइमिंग्स की बात करें तो शाम को 7:30 बजे से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग ये मैच आपको शुरू होते हुए दिखने वाला है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 के बारे में। RCB की प्लेइंग 11 की बात करें तो नंबर 1 पर होंगे देवदत्त पाडिकल, नंबर 2 पर होंगे विराट कोहली, नंबर 3 पर खेलेंगे वॉशिंगटन सुंदर, नंबर 4 पर होंगे AB डी विलियर्स। बात करें नंबर 5 की तो वहाँ पर खेलेंगे ग्लेन मैक्सवेल, नंबर 6 पर होंगे डैन क्रिश्चियन। ये रहने वाला एक हैवी बैटिंग ऑर्डर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का। बात करें इनके बॉलर सेक्शन की, नंबर 7 पर होंगे शहबाज अहमद, नंबर 8 पर होंगे काइल जेमिसन, नंबर 9 पर खेलेंगे हर्षल पटेल, नंबर 10 पर होंगे यूवी चहल और नंबर 11 पर होंगे मोहम्मद सिराज। ये रहने वाली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की पूरी प्लेइंग 11। बात करें इनके 4 फॉरनर्स की तो यहाँ पर होंगे ग्लेन मैक्सवेल, डैनियल क्रिश्चियन, काइल जेमिसन और AB डी विलियर्स। यह है दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की प्लेइंग 11 जो कि काफ़ी शानदार दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग 11 के बारे में। नंबर 1 पर होंगे डेविड वार्नर कैप्टन, नंबर 2 पर होंगे रिद्धिमान साहा, नंबर 3 पर होंगे मनीष पांडे, तो नंबर 4 पर खेलेंगे जॉनी बेरिस्टो, नंबर 5 पर होंगे दोस्तों अब्दुल समद और नंबर 6 पर होंगे मोहम्मद नबी। ये रहने वाला है दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद का बैटिंग ऑर्डर। अब बात करते हैं इनके लोअर ऑर्डर के बारे में। तो नंबर 7 पर खेलेंगे विजय शंकर, नंबर 8 पर होंगे राशिद खान, नंबर 9 पर होंगे भुवनेश्वर कुमार, नंबर 10 पर होंगे संदीप शर्मा और नंबर 11 पर खेलेंगे टी नटराजन। ऐसी दिखने वाली है सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग 11 RCB के खिलाफ। इनके 4 फॉर्मर्स की बात करें तो यहाँ पर होंगे डेविड वार्नर, जॉनी बेस्टो, मोहम्मद नबी और राशिद खान। आज भी दोस्तों यहाँ पर केन विलियमसन का खेलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल दिखाई दे रहा है, बिकॉज यहाँ पे को पिच स्पिनर्स को ज़्यादा असिस्टेंट दे रही है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मैच प्रिडिक्शन के बारे में। अगर हम दोस्तों दोनों की बैटिंग ऑर्डर को कंपेयर करें तो दोनों की बैटिंग ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा शानदार दिखाई दे रहा है, जहाँ पर सनराइज हैदराबाद के पास डेविड वार्नर, मनीष पांडे और जॉनी बेस्टो जैसे प्लेयर्स हैं जो कभी भी मैच का रुख बदल सकते हैं। वहीं पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के पास विराट कोहली, AB डी विलियर्स और ग्लेन मैक्सवेल जैसे प्लेयर्स मौजूद हैं। सो दोस्तों, बैटिंग में दोनों को 50-50% पॉइंट्स जाते हैं। बात करें दोस्तों इन दोनों टीम्स की बॉलिंग लाइनअप की, सो सनराइज हैदराबाद के पास भुवनेश्वर कुमार, संदीप शर्मा, राशिद खान, मोहम्मद नबी और साथ ही साथ टी नटराजन का एक्सपीरियंस है। वहीं पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को देखें सो इनके पास युजवेंद्र चहल और मोहम्मद सिराज दो एक्सपीरियंस बॉलर ही हैं। तो अगर हम दोस्तों दोनों की बॉलिंग को कंपेयर करें तो सनराइज हैदराबाद की बॉलिंग यहाँ पे को विनर रहती है, बिकॉज उनके पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है और इनकी बॉलिंग लाइनअप IPL की शायद सबसे अच्छी बॉलिंग लाइनअप भी हो सकती है। तो अगर हम दोस्तों यहाँ पे को पॉइंट्स दें, सनराइजर्स हैदराबाद की बॉलिंग को मिलते हैं 60% पॉइंट्स, वहीं पर RCB की बॉलिंग को मिलते हैं 40% पॉइंट्स। तो दोस्तों आपको पता लग गया होगा कौन सी टीम इस मैच में एज अ फेवरेट जाने वाली है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।